नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने एक कमाल की चुनौती दी है सरकारी कर्मचारियों को। अगर आप सुनेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि अगर आप पेंशन चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो फिर नौकरी छोड़ चुनाव लड़ लीजिए। तो विधायकों को क्या वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े लग जाए, है ना कमाल की चुनौती। मसला क्या है अब वो आपको बताते हैं। मसला ये है कि जैसे दो तीन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, तो उसके बाद अब जो दूसरे स्टेट बचे हुए हैं वहां पर भी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनको भी जो पुरानी पेंशन योजना है उसके तहत लाभ मिलना चाहिए। ये मामला हिमाचल में भी उठा है, वहां पर भी सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। अब ये मामला विधानसभा में पहुंच गया और विधानसभा में जब विपक्ष ने कोई ऐसा सवाल उठाया, तो उस सवाल के जवाब में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बोले हैं, और वो बोले हैं कि मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी लोग बोल रहे हैं कि विधायकों को पेंशन मिलती है। अब या तो विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए या फिर उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, पुरानी पेंशन भी बहाल होनी चाहिए। तो इसके जवाब में फिर ठाकुर साहब बोले हैं कि अगर पेंशन लेनी है तो फिर वो नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ लें। और कुछ लोग उसमें इस तरह के कमेंट लिख रहे हैं कि जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो विधायकों को क्या वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन। मैं कर्मचारियों का विरोध हूं, मतलब मेरा कहने का अभिप्राय, मैं बड़ा सीधी से बात कह देता हूं। कई बार अगर कोई अगर ऐसा महसूस करता है कि वो कि भाई तो नौकरी छोड़ करके वो आए वो चुनाव लड़े, स्वागत है, और उनको भी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। है ना अजीब सी चुनौती, कमाल की चुनौती दे रहे हैं वो ठाकुर साहब सरकारी कर्मचारियों के। अब अगर कई स्टेट में ऐसा हुआ है तो कर्मचारी मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मांग कर रहे हैं तो उसको क्या आप ऐसे जवाब देंगे? अब आप देखिए, कोई भी एक बार विधायक बन जाता है, विधायक एमएलए बन जाता है, तो फिर उसको पेंशन मिलती है और मोटी पेंशन मिलती है। इसी बात को सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं, विपक्ष वाले भी उठा रहे हैं, कई जगह पर हरियाणा में भी उठा रहे हैं कुछ लोग कि या तो विधायकों की बंद कर दो और या फिर इनकी भी शुरू होनी चाहिए कि ये तो इतने साल नौकरी करते हैं और नेता तो एक बार विधायक बनते हैं उसके बाद पेंशन लेना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक बार बनने पर, अगर दूसरी बार बनते हैं तो फिर बढ़ती जाती है पेंशन, तीसरी बार चौथी बार लाखों रुपए की पेंशन लेते हैं कई नेता, बहुत मोटी पेंशन लेते हैं। तो उसी को ही कहा जा रहा है, लेकिन उसके बदले में हिमाचल के सीएम का ये बयान आया है, ये चुनौती सामने आई है। इसको लेकर आपकी राय क्या है आपने बताना है कि ये जो हिमाचल के सीएम बोले हैं क्या ये सही है? ये जो चुनौती वो सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं क्या ये सही है? क्या विधानसभा में किसी मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? इस पर आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करके आपने बताना है, और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी पता चले। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है फेसबुक यूट्यूब पर, ताकि हमारी अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।